आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको एक बार समाप्ति जी संज्ञान कराना चाहूंगा कि लगभग 2 वर्ष पूर्व मोहन जलेसर रोड वार्ड नंबर 12 झीली पुड़िया से लेकर के हनुमान मंदिर की पुड़िया तक एक नाला निर्माण हेतु कार्य स्वीकृत हुआ था लगभग 2 वर्ष पूर्व। उसका तो हमें खुशी हुई कि हाँ साहब वाया कार्य होगा नाला निर्माण होगा। तो हम लोगों ने उन लोगों को सूचना दी कि साहब तुम्हारा नाला बनने वाला है। लोगों को खुशी हुई क्योंकि वो लोग जो है वो अपने मकानों उनके मकानों का पानी रोड पर जाता था। विकास प्राधिकरण के लोग आए उनने कहा अपने द्वार पर एक गड्ढा कीजिए उसमें आपकी नाली का पानी जाएगा। तो अब लोग जब नहाते हैं पानी खर्च करते हैं तो भी सोच समझ के खर्च करते हैं कुछ वे पानी है निकालना गड्ढे से। तो उन लोगों को आज की नाला बनेगा नाला बनने के लिए प्रस्ताव दिया गया था पास हो गया उसके बाद टेंडर हो गया। टेंडर के बाद अधिकारी वो ठेकेदार को मिला ठेकेदार किसी कारणवश ब्लैकलिस्ट हो गया उसके बाद भी टेंडर हुआ। हमने लोग हमसे पूछने लगे साहब क्या हुआ हमने कहा सर टेंडर हो गया दोबारा फिर भी टेंडर हो गया दोबारा फिर भी टेंडर हो गया ऐसे लगातार 7वां टेंडर हुआ है। लोग अधिकारियों से मैं पूछता हूँ तो वही जवाब देते हैं सब टेंडर की प्रक्रिया में उसके बाद में जब 7वीं बार टेंडर हुआ मैंने इसकी जानकारी करी कि रिटर्न होता है उसके बाद ठेकेदार काम करना क्यों चाहता है तो उसमें पता लगा कि वो जो 2 साल पहले टेंडर दिया गया था तो उसकी डेटें अलग थी और अब उस डेटें अलग है इसलिए ठेकेदार अपने हाथों खड़ा कर देते हैं टेंडर लेने के बाद में। और ये जब जनता पूछती है साहब क्या हुआ तो हम कहते हैं रिटेंडर हो गया तो फिर जनता हमसे ये जवाब देती है कि साहब 2 साल बाद आपका भी रिटेंडर हो जाएगा। तो मैं इसका ये नहीं हमें जीतने की चिंता नहीं है लेकिन हम लोग वहां से चुनाव जीत करके आए हैं तो लोगों को जवाब देना हार लगता है। तो मैं नहीं सर मैं एक आपसे आग्रह करना चाहूंगा पूछना चाहूंगा कि ये नाला जो है वो हमारे कार्यकाल में बन सकता है या फिर आगे बनेगा जी दिन के अंदर वर्कआउट जारी हो जाएगा। अच्छा तो मैं लगभग 2-3 महीने में मान लू बन जाएगा हमारे कार्यकाल में बन जाएगा। हाँ बन जाएगा ठीक है सर धन्यवाद।